हाय गाइस, आई वेलकम यू टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में वी विल चेक आउट व्हाट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एंड द थिंग्स एसोसिएटेड विथ इट। सो लेट्स बिगिन। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। आई एम श्योर ये इक्वेशन तुमने क्लास नाइन्थ के आसपास ही देख लिया होगा, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द डिटेल्स एसोसिएटेड विथ दिस इक्वेशन। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल चेक आउट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन। देन वी विल टेक अ लुक एट द डेरिवेशन मेथड्स विथ विच वी कैन अराइव एट दिस इक्वेशन। देर आर मेनली थ्री मेथड्स जिनको कि हम यूज करते हैं। वी विल टेक अ लुक एट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। नेक्स्ट वी विल टेक अ लुक एट व्हेन टू अप्लाई दिस इक्वेशन। तुमको पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन प्रॉब्लम्स, बट हम लोग ये भी देखेंगे कि इन पर्टिकुलर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाया जाता है। काइनेमैटिक्स में इंटरेस्ट के पांच वेरिएबल्स हैं एंड ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो, सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन रिलेट फोर आउट ऑफ दीज फाइव वेरिएबल्स। द फर्स्ट वेरिएबल इज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एक्स या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वेरिएबल इज यू और इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। कीप दैट इन माइंड। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स इनटू फिजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मीनिंग होता है इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो। ऑल राइट, लेट्स टेक अ लुक एट द थर्ड वेरिएबल, फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू जीरो, राइट? ओके, द फोर्थ वेरिएबल इज एक्सीलरेशन और ए। ए क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फाइनली we have the fifth variable, that is time. All equations of motion, chahe wo first ho, second ho ya third ho, they will relate four out of five variables, aur yahi kinematic variables sari equations mein aate hain. Okay, ab hum jante hain ki second equation of motion char variables ko relate karta hai, s for displacement, U for initial velocity, A for acceleration and T for time. S, U and A are vector quantities. So this is a vector equation. इसका मतलब इसको blindly नहीं लगाना है. This means this portion is actually a vector and this portion is also a vector. Why? Because time is a scalar, and when a scalar is multiplied by a vector, तो जो result हमको मिलता है वो क्या होता है? Vector. अब देखते हैं कि what are the different methods of deriving the second equation of motion. Method number one is the average velocity method. इस मेथड से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज यूज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे एस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टी से, और इसमें वी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एस विल बिकम U plus AT plus U divided by 2 multiplied by T.
और अब इसको लिख सकते हैं S इक्वल्स टू 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t. 2 कैन कैंसल एंड S बिकम्स u मल्टीप्लाइड बाई t विच इज यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी इज ए टी स्क्वायर्ड एंड वी अराइव एट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ऑल राइट, मेथड नंबर 2, द ग्राफ मेथड. एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें हम लोग ग्राफ का यूज करके सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. लेट्स सी हाउ. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. एंड इफ यू रिमेंबर, दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. स्टेप नंबर 2, फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ. नाउ एक डेफिनेशन आपको ध्यान में होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट को हम ग्राफ के हेल्प से निकाल सकते हैं. एंड डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इस रिजल्ट को याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इज इक्वल टू द एरिया अंडर. व्हाट डज दिस वर्ड अंडर मीन? अंडर द वी टी ग्राफ. वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी एंड टी स्टैंड फॉर टाइम. लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वी एंड टी. From the equation, v equals to u plus at. Okay, on the horizontal axis, we have plotted the time, and on the vertical axis, we have plotted the velocity. This is the initial velocity u. And corresponding to this position, we have the final velocity v. This time is 0 and this is some time t. So which area are we talking about? It is under the red line. And how do we calculate that? Notice that this region is a trapezium. Aur trapezium ka area kaise nikalte hain? Sum of parallel sides into distance between them divided by 2. So hum likh sakte hain S, that is the area, equal to sum of parallel sides. Ye side hai u aur ye side hai v. U plus v, inke beech ka distance kitna hai? T divided by 2. Now put the value of v here and you will get u plus at divided by 2 into t. और थोड़ा सा rearrangement करने के बाद you will get s is equal to ut plus half at squared. So this is the graphical method of arriving at the second equation of motion. The calculus method. पिछले दोनों methods आपने शायद class 9th में देखे होंगे. क्लास 11th में कैलकुलस मेथड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड टू गेट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पर. दैट इज व्हाट वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी. इस डेफिनेशन के हेल्प से हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज टू यूज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. दैट इज वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी. इक्वेशन में क्या करना है, आप डी टी को वी की साइड ले जाओ तो यू विल गेट द इक्वेशन डी एस इक्वल्स टू वी डी टी. इसको इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यूज डालेंगे एंड वी विल गेट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. लेट्स सी हाउ. डी एस इक्वल टू वी टाइम्स डी टी और दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है.
इनिशियली हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, ज़ीरो, और टाइम टी के बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस। शुरुआत में टाइम क्या रहेगा, ज़ीरो, एंड वी आर टेकिंग सम टाइम टी। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आसान है, यू कैन कैंसिल आउट द डी एंड द इंटीग्रेशन साइन और तुमको मिलेगा एस माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू। अब राइट हैंड साइड में कैन यू टेक दिस वी आउट ऑफ द इंटीग्रल, नो, व्हाई, बिकॉज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, विच मीन्स वी डिपेंड्स ऑन टी। तो हम v का वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड वी विल गेट 0 टू t u प्लस ए टी डी टी। ब्रेक दिस इंटीग्रेशन एंड यू विल गेट 0 टू t u डी टी प्लस 0 टू t ए टी डी टी, अलग अलग कर दिया दोनों। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व भी कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स s इक्वल्स टू, नाउ लुक एट दिस u, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये वो वेलोसिटी है जिससे हमने स्टार्ट किया था। वी कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, सो इट बिकम्स u इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t डी टी प्लस, अभी ये ए टी पर फोकस करो, इनमें से कॉन्स्टेंट टर्म कौन है, ए, एंड देयर फोर वी कैन टेक इट आउट एंड इट बिकम्स ए 0 टू टी टी डी टी। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट यू इंटू टी माइनस 0 प्लस ए इंटू टी का पावर यहाँ 1 है, विच विल बिकम टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू टी। अब इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो एंड यू विल गेट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट is this step, हम यहाँ पर a को बाहर कैसे निकाल पाए, because acceleration is constant, ये हमने assumption लिया है। Therefore second equation of motion is valid only for constant acceleration problems, do not apply it randomly, always check if the object you are dealing with has constant acceleration before applying this equation. For example, you can use this equation in free fall or motion under gravity problems, but circular motion, do not use second equation of motion. In circular motion, object changes direction और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए डू नॉट यूज दिस इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम्स। नाउ इस इक्वेशन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कौन सी प्रॉब्लम्स में यूज़ करना है, जहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम में से 3 वेरिएबल्स दिए हैं और चौथा वेरिएबल आपको कैलकुलेट करना है, तो इन तीनों की वैल्यूज डाल के आप फोर्थ वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस मोर, ये इक्वेशन कैसा है, वेक्टर इक्वेशन, सो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग इट इन ओनली वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में अलग अलग काम करते हैं, बिकॉज दिस इक्वेशन इज अ वेक्टर इक्वेशन। This is Abhijit from bustingjeemain.com and I'll see you next time.